हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है रिवॉल्ट RV 300 के डिस्प्ले। 300 400 दोनों सेम ही है, तो ये मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं। इनके कुछ इश्यू है, तो मैं स्क्रीन तो नहीं रिपेयर करता हूँ, लेकिन मैं PCB लेवल पे काम करता हूँ, क्योंकि जिनके जिनके स्क्रीन डैमेज हो जाते हैं वो तो मैं नहीं रिपेयर करता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम्स थे, कुछ पार्ट्स गए थे, ये MOSFET गया था, इसके बाद में कुछ शोल्डरिंग वगैरह तार्स निकले थे तो शोल्डरिंग कर दिए। अभी इस तरह से मैंने ये रिपेयर कर दिया है, इसका टेस्टिंग करूँगा। अभी ये दोनों भी रिपेयरिंग के लिए आए हैं, ये भी दोनों रिपेयर कर दूँगा। इनका भी कुछ वायर वगैरह टूटा हुआ है, ये इनके RV 300 के, एक्चुअली ये RV 300 के है, 300 400 को दोनों सब सेम ही है। बस सिर्फ इंडिकेशन काम करना, डिस्प्ले का काम है कि सब इंडिकेशन करना, बैटरी परसेंटेज दिखाना, एरर दिखाना, बाकी सब जो है जो आपके डिस्प्ले पे दिखाना, पर टेम्परेचर सेंसर, बैटरी का टेम्परेचर, एटमोसफेयर टेम्परेचर आपको बता देता हूँ। देखो ये जो रहता है ना, ये जो है एटमोसफेयर टेम्परेचर बताता है, जो ये साइड में कोने में आ जाता है, जो अपना एटमोसफेयर टेम्परेचर होता है, और जो नीचे बताता है सी पे, वो बैटरी टेम्परेचर बताता है। बाकी 98 वगैरह आपको इधर कोने में शो हो जाते हैं। तो अपने सारे इंडिकेशन से, या में लाइट्स लिखा हुआ है सब, RGB GBB GBG, मतलब जो, और ये अपना सेंसर है जिस पे अपन जब हाथ रखते हैं तो इसमें लाइट जलता है। तो अभी ये रिपेयर हो चुका है, मैं इसका टेस्टिंग कर लेता हूँ थोड़ा मेरी बाइक में लगा के, और उनको रिपेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेता हूँ, ओके। तो मैं ये वीडियो को पॉज कर देता हूँ और मैं मेरे बाइक की तरफ जाता हूँ, बाइक ओपन करता हूँ, फिर बाद में इसको ऐसे ओपन करके एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू कर देता हूँ। ये मेरे ख्याल से रिपेयर हो चुका है, ये पार्ट, ये MOSFET गया था मैंने डाल दिए, और एक दो जगह वायर निकला था और शोल्डरिंग कर दिया है। बाकी इसका मैं डेटा ले लेता हूँ मेरे स्टडी के लिए, क्या है फ्यूचर में कभी कभी आ सकता है। इसका डिस्प्ले ओके है, डिस्प्ले तो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि ये ग्लास है उनका पूरा। आपको दिखाना देता हूँ कि कैसा अपने RV 400 या RV 300 का डिस्प्ले कैसा है इनसाइड में, ओके। तो ये मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखो, मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरा गाड़ी ऑन कर देता हूँ, मेरे गाड़ी का डिस्प्ले का कनेक्शन ही मैंने निकाल दिया है। तो पहले इसको मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, रिपेयर हो चुका है एक्चुअली मेरा, मैंने एक बार ट्रायल के लिए पहले ही यूज़ किया था। हाँ ये देखो, अभी ये मेरे गाड़ी का डिस्प्ले एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, तो चालू हो गया, वन आना चाहिए। हाँ अभी मैं ये जो बनाया हुआ है इसको टेस्ट करता हूँ। देखो इसमें मैंने पार्ट्स डाले थे, कुछ वायरिंग हर जगह कट 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 गई थी, तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ। ये पूरा है, तो अभी वहाँ से ऊपर से डिस्प्ले मेरा बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। अरे वाह, परफेक्ट काम कर रहा है। देखो लाइट भी आ रहा है, मतलब सेंसर भी सही से काम कर रहा है, वायरिंग सही हो गया है, रेंज बता रहा है, ठीक है, रेंज 87 इको मोड पे परफेक्ट काम कर रहा है। सर का टच कर दो इसके ऊपर, इतना मस्त क्वालिटी दिख रहा है। चलो इस तरीके से अभी ये रेडी हो चुका है अपना। ये टेम्परेचर सेंसर है, देखो ये टेम्परेचर सेंसर है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये टेम्परेचर सेंसर है जो 31 डिग्री का रहा है। अगर मैं इसको अभी ज़्यादा भी गर्म करूँगा तो ये बढ़ते जाएगा, देखो 32 हो गया। हाँ उसके बाद में शायद, हाँ और ये जो टेम्परेचर है देखो 33 हो गया। अभी ये जो टेम्परेचर है बैटरी टेम्परेचर है, ये बताता है जब आपका बैटरी गर्म हो जाता है तो यहाँ पे 98 आ जाता है। अभी इस तरह से परफेक्ट काम कर रहा है, इसके मतलब जो सारे कनेक्शंस और सेंस वगैरह जो कनेक्शन वायरिंग है, सेंसर वायरिंग परफेक्ट हो चुकी है। तो अभी मैं इसमें एक बार इंडिकेशन का लाइट दिखाता हूँ, देखो इंडिकेटर का भी लाइट हो रहा है, इंडिकेशन लाइट आ रहा है। उसके बाद अपर वाला ब्लू लाइट जल रहा है, अपर डिपर, बस इसमें तो अभी इतना ही है। तो अभी ठीक है, अभी ये तो टेस्टिंग हो चुका है, ये रिपेयर हो चुका है, इसको बाद में फिट कर देता हूँ मैं। हाँ अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, ये मैं चालू में कर रहा हूँ, आप मत कीजिएगा अगर कभी कोई रिपेयर करेगा तो। अभी बाकी का मैं टेस्ट कर लेता हूँ, ये जो बाकी ये भी मैंने दो बना लिए थे रिपेयरिंग के, अभी इसको भी बना लेता हूँ, अभी टेस्ट कर लेता हूँ। अरे ये भी परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन अभी हाँ 87% ये ट्रिप दिखा रहा है, इसका ट्रिप 0 बता रहा है। ये यहाँ पे
जीरो बता रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर सेंसर का वायरिंग नहीं हो पाया है। उसके बाद में मोड तो सही बता रहा है, उसके बाद में इंडिकेशन, हाँ इंडिकेशन दे रहा है, सारे मतलब इंडिकेशन दे रहा है, बस सेंसर का वायर नहीं जुड़ पा रहा है। इसका सेंसर देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। और इसका रनिंग देखो 11,000, मतलब हर एक का अपना अपना 11 डिस्टेंस है, तो ठीक है। ये भी डिस्प्ले ऑलमोस्ट चालू हो गया है, जो दिखना चाहिए परसेंटेज वगैरह ट्रिप वगैरह, ठीक है। अभी दूसरा देख लेता हूँ, ये दोनों टेस्टिंग हो चुके हैं, अभी ये तीसरा देखता हूँ मैं। फिर है इसका कनेक्शन, ये नहीं ऑन हो गया, इसका शायद प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरा गाड़ी चल, गाड़ी ऑन है, हाँ इसमें पावर नहीं मिल रहा है, हल्का सा लाइट जल रहा है, शायद इनका ग्राउंड ओपन हो गया है। इसका ग्राउंड ओपन हो गया है, इसको रिपेयर करता हूँ। दो चालू हो गए है, इसको सही से अभी तक टेस्टिंग बाकी है, चलो इसको रिपेयर कर देता हूँ, फिर बाद में इसको जिसको कस्टमर का है उनको दे देता हूँ। इतना तो है कि दो रेडी हो चुके हैं, एक बाकी है, यही वीडियो में दिखाना था। अभी मैं मेरा अटैच कर देता हूँ, पहले मेरा टेस्टिंग कर लेता हूँ। ओके, मेरा सही से काम कर रहा है, ओके चलो ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था RV 400 RV 300 का डिस्प्ले का, तो मैंने बना दिया है, बस एक पेंडिंग है उसको बना देता हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।